नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेनिस एल्बो को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। टेनिस एल्बो जो कि एक बहुत कॉमन समस्या हो रही है आजकल, जो हम लोग के एल्बो के इस जगह पर, इस पोर्शन में, ऊपर की तरफ साइड्स में, यहाँ पर हो जाती है और हमको तकलीफ देती है। ये ज़रूरी नहीं कि टेनिस खेलने वालों को ही हो। इसका नाम टेनिस एल्बो है तो आप ये ना समझें कि हम टेनिस नहीं खेलते हैं तो हमको ये तकलीफ़ नहीं होगी, कोई और दर्द होगा। आप टेनिस एल्बो नहीं खेलते हैं लेकिन अगर आपकी ये दो फिंगर और इस थंब का रिपीटिटिव काम है, किसी भी चीज़ को पकड़ने का, कोई भी काम करने का, फिर आपके यहाँ पे पेन होने लगा है तो आप समझ लें आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। ये फोर आर्म के आउटर अपर पार्ट में। तो आज हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं टेनिस एल्बो होता क्या है। साथियों, टेनिस एल्बो एक तरह के टेंडन्स की सूजन होती है। टेंडन्स वो हार्ट टिश्यूज होते हैं जो हमारे बोन को मसल से जोड़ते हैं, यानी हमारी जो यहाँ से मसल्स जाती हैं रिस्ट से लेके ऊपर तक, इसके बीच में जो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, इस जगह पे इसको जोड़ते हैं यहाँ जो है टेंडन्स होते हैं। और यह जो है इस बोन से जोड़ने के लिए, एपिकॉन्ड्राइलाइटिस से जोड़ने के लिए टेंडन्स का यूज़ होता है। तो जब इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है उन मसल फाइबर्स में जो हमारे बोन को मसल से जोड़ रहे हैं, तो इसको टेंडिनाइटिस कहते हैं। ये एपिकॉन्ड्रियल टेंडिनाइटिस होती है क्योंकि एपिकॉन्डाइल से ये जुड़ी होती है और इसको हम लोग निकनेम टेनिस एल्बो के रूप में कहते हैं। जैसा हमने बताया साथियों, किसी को भी हो सकता है, चाहे आप टेनिस खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, आपको हो सकता है। अगर आपकी ये दो फिंगर्स और ये थंब, ये तीनों चीज़ें अगर आपके ज़्यादा काम में आ रही हैं तो आप टेनिस एल्बो के शिकार हो सकते हैं। इसके साथियों बात आती है फिर कॉजेस की। कॉजेस के कारण ओवर एग्जर्शन होता है। जब हम ओवर एग्जर्शन करते हैं कोई भी मसल, कोई भी ये दो फिंगर्स का, और हमारा लगातार ये जो रिपीटेटिव जोर पड़ता रहता है इस जगह पर, तो ये टेनिस एल्बो डेवलप हो जाता है। इसके सिम्टम्स की बात आती है साथियों, तो सिम्टम्स यही है, जब भी आप मूवमेंट करते हैं, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं या हाथ को बहुत सीधा करने की कोशिश करते हैं तो आपके बहुत पेन होता है, और जब आप हाथ को फ्लेक्स और फोल्ड दोनों करने की कोशिश करते हैं दोनों में आपको बहुत पेन होता है, शूटिंग टाइप पेन होता है। यही टेनिस एल्बो का सिम्टम है। साथियों, आपको बताएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर टेनिस एल्बो हो गया है तो इसको ठीक कैसे करें। पहले हम आपको बता देते हैं इसके बचाव कि अगर आपको टेनिस एल्बो ना हो, इसके लिए जब भी आप टेनिस या स्क्वैश या कोई भी गेम खेल कर आएँ तो उसके बाद थोड़ा सा आइस की सिकाई कर लें। आइस से अगर आप इस पर बर्फ से सिकाई कर लेते हैं, जब भी आपका बहुत हेक्टिक काम है या आपके पेन हो भी रहा है टेनिस एल्बो का, तो उसको रिलीफ पाने के लिए या उससे बचने के लिए, दोनों स्थिति में अगर आप आइस से बर्फ से सिकाई कर लेते हैं तो आपके यहाँ पेन कम हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। और जैसा बताया जाता है कि वार्मअप बहुत अच्छा आइडिया होता है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। अब गर्मी की छुट्टी आ रही है, ये वीडियो आज मार्च में शूट हो रहा है, आज 16 मार्च को ये वीडियो शूट हो रहा है, यानी ये बच्चों का आज लखनऊ में, हमारे यहाँ तो बच्चों के आज एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आप लोगों के अभी एग्ज़ाम आसपास ही इधर ख़त्म हो चुके होंगे। उसके बाद अब आप लोग जिम ज्वाइन करेंगे, तमाम तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज्वाइन करेंगे, तो आपका उसके लिए वार्मअप बहुत ज़रूरी है। जब आपका कोच कहता है वार्मअप करें तो आप वार्मअप ज़रूर करें। बिना वार्मअप के एक्सरसाइज या एग्जर्शन लेने से आपके टेनिस एल्बो हो सकता है। ये बात हो गई साथियों बचाव की। अब हम आपको बताते हैं इसको ठीक करने के 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। उससे पहले आपको हम बता दें, जो हमेशा हम कहते हैं, कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दवा आप पे वो सिम्टम लागू ना होता हो जो इस वीडियो में बताया जाए। तो हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। कोई हमारा वीडियो या कोई अन्य वीडियो देख कर यूँ अपने मन से दवा ना लें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। साथियों, अब हम लोग चलते हैं उस सफ़र पर जो आपको आराम देने का सफ़र है, होम्योपैथी को आपके करीब लाने का सफ़र है, और आपको विश्वास दिलाने का सफ़र है कि होम्योपैथी से आपकी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बताते हैं आपको 10 कारगर दवाएं टेनिस एल्बो के विषय में।
पहला साथी उस श्रृंखला में सिम्टम आता है जो सबसे अधिक आपको नुकसान कर सकता है कि यहाँ एल्बो के इस पोर्शन में अपर पोर्शन में बहुत पेन हो रहा, यही सबसे पहला सिम्टम होता है टेनिस एल्बो का। और इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं, यहाँ तीन दवाएं हैं। पहली दवा है रस्टॉक्स, दूसरी दवा है कैल्केरिया कार्प और तीसरी दवा है कोक्युलस। रस्टॉक्स साथियों टेनिस एल्बो के पेन में और एल्बो में पेन में उस स्थिति में सबसे ज़्यादा कारगर है जब आपके यहाँ पेन सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होता हो, जब आप सो के उठते हो और जब आप थोड़ा वॉक कर लेते हो तो यह पेन में आपको आराम मिल जाता हो। लेकिन सुबह उठते हो तो आपके बहुत शार्प पेन हो, अगर यह कंडीशन आपकी होती है तो आप रस्टॉक्स 1 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको टेनिस एल्बो के एल्बो में होने वाले पेन में बहुत आराम आएगा, आप राहत पा जाएंगे। दूसरी एक कंडीशन आती है कैल्केरिया कार्प। कैल्केरिया कार्प 30 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में यह होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं जब आपके बहुत सीवियर एल्बो में पेन हो रहा हो और आपका कॉन्स्टिट्यूशन फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, थोड़ा सा आपका वेट ज़्यादा हो, आप रंग में गोरे हों और थोड़ा सा जो है ओबीस हों और आपके टेनिस एल्बो हो गया हो। ये ऐसा सिम्टम है जो अगर आपको मैच कर गया और आपने कैल्केरिया कार्प 30 टेनिस एल्बो के केस में ले ली तो निश्चित रूप से आप उसमें आराम पाएंगे। तीसरी दवा आती है साथियों कोक्युलस। कोक्युलस 32 बूंद एल्बो पेन में टेनिस एल्बो के मर्ज में उस समय बहुत कारगर है जब आपके स्टिचिंग टाइप पेन हो रहा हो, चुभन वाला पेन हो रहा हो, ज़रा सा आप हाथ हिलाते हो और आपके यहाँ पे पेन होने लगता हो, अगर यह स्थिति आपके हो रही हो तो आप की दवा कोक्युलस है, यह आपको निश्चित रूप से आराम दे देगी। एक स्थिति साथियों आती है, इसका थोड़ा सा अभी पहले भी जिक्र हुआ कि सुबह सुबह उठे तो आपके बहुत पेन है, दिन में चले तो आराम मिला। इस सिम्टम पे आप 3 मेडिसिन क्लासिफाई कर सकते हैं, तीनों आपको बहुत आराम देंगी। इसकी 3 कारगर दवाएं हैं रस्टॉक्स, काली कार्प और कोनियम। ये 3 दवाएं आपको उस स्थिति में बहुत आराम देंगी जब आपको सुबह सुबह तकलीफ ज़्यादा होती और चलने से आराम मिलता हो। रस्टॉक्स उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है जब आपके हाथ पे तकलीफ़ हो और ओवरवर्क, जैसे आप रात में बहुत ओवरवर्क आपने करा हो, बहुत ज़्यादा काम आपको पड़ गया हो, उस कारण आपको एहसास हो रहा हो कि भाई मुझे रात में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है, आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो अगर यह स्थिति आपको आ जाती है तो इसकी बहुत कारगर दवा रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स 1 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें जब आपका टेनिस एल्बो ओवरवर्क होने से उसमें दर्द हो रहा हो, उसमें तकलीफ हो रही हो। इसी श्रृंखला की दूसरी दवा काली कार्प 30 है। काली कार्प 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप टेनिस एल्बो में पेन की स्थिति में उस वक्त ले सकते हैं जब आपके बाइल का रिगरिटेशन होता हो, मुंह में खट्टा पानी आता हो, आपका पेट ना सही रहती हो, अगर आपके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स कंपनी कर रही हैं टेनिस एल्बो के साथ, तो आपकी दवा खास तौर से महिलाओं में टेनिस एल्बो मर्ज को ठीक करने की दवा काली कार्प है। आप काली कार्प 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। तीसरी दवा इसी श्रृंखला की साथी और रूटा है। रूटा 200 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको आर्थराइटिस की आपके बॉडी में स्थिति हो और आपको टेनिस एल्बो का भी पेन हो रहा हो, जहां भी बॉडी में डिफॉर्मिटी इन्वॉल्व होती है बोन में, अगर आपके एक्सरे ये सजेस्ट करता है, मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ये एल्बो का आपका एक्सरे कराएगा, जब आपका एल्बो का ये जॉइंट्स का एक्सरे होगा दोनों का, जब ये एक्सरे होगा तो जॉइंट का, तो जो है उसमें अगर डिफॉर्मिटी आ रही है, थोड़ा सा लिख कर आ रहा है कि वो डिफॉर्म हो रही है, वो उसमें जो है बोनी डिग्रेडेशन आ रहा है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, अगर यह रीडिंग आप एक्सरे में पाते हैं तो आपके लिए मॉर्निंग स्टिफनेस के टेनिस एल्बो के कंडीशन में पेन में रिलीफ देने की सबसे अच्छी दवा रूटा है। आप रूटा 200 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत आराम मिलेगा। चौथी दवा इसी श्रृंखला की साथियों कोनियम है। कोनियम अगर आपके सुबह की मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है और चुभन वाला दर्द उत्पन्न हो रहा है तो आप कोनियम 30 mg/hr में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह विशेष तौर पर उस कंडीशन में सहायक और होती है जब आपके साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो कोनियम आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ दे देती है, बहुत फ़ायदा दे देती है।
एक साथियों कंडीशन आती है कि जब आप ओवर स्ट्रेन आप कर रहे हैं, जो कि बेसिकली टेनिस एल्बो का एक सिम्टम भी होता है, कॉज भी होता है, कि आप जब ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं अपनी एल्बो का, तो अगर आपका जॉइंट का ओवर स्ट्रेन करने से आपको तकलीफ बढ़ रही है, तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलिस्पर। आप बेलिस्पर पेरिनिकस पेरिनिस उस समय ले सकते हैं जब आपके ओवर एग्जर्शन से आपके इस जॉइंट में, आपके एल्बो जॉइंट में पेन हो रहा हो और आप बहुत तकलीफ में हो, तो बेलिस्पर निश्चित रूप से आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसकी आप दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। यह एक हेड रेमेडी है जो आपको निश्चित रूप से टेनिस एल्बो की, मैं कह सकता हूँ, किसी भी कंडीशन में आराम दे देगा। दूसरी दवा साथियों इसी स्थिति की आती है, कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार, उस स्थिति में आप अपने जॉइंट्स पेन के लिए, बेसिकली टेनिस एल्बो के जॉइंट के पेन के लिए ले सकते हैं। जब आपका लगता हो कि आपकी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं, मसल्स वीकनेस की स्थिति में आपको लगे हमारी मांसपेशियां बहुत वीक हो गई हैं, अगर आपको यह स्थिति लग रही है और आपके यहाँ पे पेन हो रहा है टेनिस एल्बो में, तो इसकी बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में कार्बो एनिमेलिस है। आप इसको 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आपकी वीक मसल्स का जो एहसास है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे। फिर एक कंडीशन साथियों देखी जाती है कि आपके पेन यहाँ पर हो रहा है और ये रिस्ट तक आपके आ रहा है, तो अगर आपका पेन जो है एल्बो का, टेनिस एल्बो का जॉइंट का पेन है, या आपके रिस्ट तक आ जाए, यहाँ तक एक्सटेंड कर जाए, तो इसकी दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है ग्वाइकम। ग्वाइकम 30 दो दो बूंद आप दिन में तीन बार ले सकते हैं। जब आपके रिस्ट में मूवमेंट में बहुत तकलीफ हो रही हो, और जब भी आप रिस्ट को मूव करते हो तो तकलीफ यहाँ होती हो, अगर यह स्थिति आपके पाई जाए तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस ग्वाइकम है। आप ग्वाइकम का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। आपको टेनिस एल्बो के कारण रिस्ट में होने वाले पेन में बहुत आराम मिलेगा। और इसी श्रृंखला की एक और बहुत कारगर दवा है काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार, उस स्थिति में बहुत कारगर है कि जब आपका एल्बो के कारण आपके रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है और आपके फिंगर्स में नमनेस आ गई, सुनपन आ गया है, तो अगर आपकी फिंगर्स में नमनेस आ रही हो तो आप काली नाइट्रिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। आपका टेनिस एल्बो के कारण रिस्ट जॉइंट पेन में आपके फिंगर्स में आने वाली नमनेस खत्म हो जाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके टेनिस एल्बो के कारण आपके पूरे फोरआर्म में वीकनेस हो गई है। अगर यह स्थिति आपको आती है तो इसकी दो बहुत कारगर दवाएं साथियों। पहली दवा, अगर आपको टेनिस एल्बो के कारण अपने पूरे फोरआर्म में बहुत वीकनेस महसूस हो, तो इसकी पहली दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके मसल्स में सोरनेस हो और आप मेंटली, आपको दूसरों की तकलीफ से बहुत सहानुभूति होती हो, सिंपथी होती हो, ग्रेट सिंपथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, अगर यह हेडलाइन सिम्टम आप में मौजूद है और आपके फोरआर्म में बहुत वीकनेस आ गई है, तो उसके लिए आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लीजिए। और इसी श्रृंखला में अगर आपको फोर आर में बहुत वीकनेस आ रही है और आपकी उंगलियों में भी नमनेस आ गई है, यह कंडीशन अगर आपके हो जाती है तो आपके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस है कोनियम। कोनियम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार, हाइपेरिकम 30 के साथ ले लें, यह दो दवा आप दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, तो आपकी जो उंगलियों में नमनेस ड्यू टू टेनिस एल्बो आ रही है, इसमें बहुत हद तक इजाफा हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। एक स्थिति साथियों आती है, कभी चोट लगी हो, हमको यहाँ पर चोट लगी हो एल्बो में, उसके बाद से यहाँ पे पेन हो रहा है, और टेनिस एल्बो, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे बॉल लग गई हो, कुछ लग गया हो, और तब से हमको पेन होने लगे, अगर यह कंडीशन आपकी हो रही, ट्रॉमा के केस में आपके जो है तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए बहुत कारगर दवा आर्निका है। आर्निका 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। जब आपको कोई चोट लगने से, कोई ब्रूस चोट लगने से, शार्प चीज़ नहीं, मतलब एक कोई मोटी चीज़ से चोट लगने में आपको टेनिस एल्बो शुरू हो गया हो, तो आपकी दवा ड्रग ऑफ द चॉइस आर्निका है। आप आर्निका 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। साथ में अगर आपकी उंगलियों में नमनेस आ रही है तो हाइपेरिकम 30 और कोनियम 30 का यूज़ आप दो दो बूंद दिन में तीन बार के रूप में कर सकते हैं। यह सब मिलके आपको आराम दे देगी।
या साथियों कुछ दवाएं थी जो आपके टेनिस एल्बो के लिए थी। एक चीज़ इसमें हमेशा रहती है, कभी भी आपको टेनिस एल्बो हो तो आप आइस से सिकाई कर लें, बर्फ़ से सिकाई कर लें, आपको टेनिस एल्बो के दर्द में बहुत राहत मिलेगी। ये साथियों प्रयास था आपको होम्योपैथी के करीब लाने का। कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछे ना लें, क्योंकि हो सकता है दवा आपके सिम्टम के हिसाब से भिन्न हो, इन दवाएं लागू ना होती हों और इन दवाओं का इस्तेमाल आपको नुकसान कर सकता हो। लेकिन ये दवाएं बहुत कारगर दवाएं हैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं और होम्योपैथी से आपका टेनिस एल्बो ठीक हो सकता है, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, आपको ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो ये हमारा YouTube नोटिफिकेशन पैनल में आप नीचे अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, हम आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे। या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415786380 पर आप अपनी क्वेरी को WhatsApp कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको होम्योपैथी को आपके करीब लाने का हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को आप नीचे प्रेस कर दीजिए, आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाते रहिए। आपका एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।